फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है बस स्टॉप से। बस स्टॉप में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ सरोजनी और यहाँ पे वेट कर रही हूँ बस का। सो फ्रेंड्स, मुझे बस तो मिल चुकी है बट सीट नहीं मिली है और मैं यहाँ पे खड़े खड़े जा रही हूँ और तन्वी को मिल गई है सीट। तो तन्वी वहाँ कंडक्टर के पास बैठी हुई है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचने ही वाली हूं सरोजनी मार्केट। थोड़ा सा रह गया है तो आज बस से आए हैं। बस है नॉन एसी तो हवा भी नहीं आ रही है, गर्म बहुत हो रहा है इसमें। वैसे वहां मेट्रो भी जाती है पर मेट्रो बार बार चेंज करनी पड़ती है, इसलिए मैं बस से आई आज। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट में और बस से उतरने के बाद यहाँ से है इसकी एंट्री, तो थोड़ा यहाँ से चल के जाना पड़ेगा हमको। तो ये लड़कियाँ भी हमारे साथ बस में आई थी एंड इन लोग की शॉपिंग तो यहीं से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मिल रहे हैं 50-50 के टॉप जो कि काफ़ी अच्छे हैं, छोटे बच्चों के लिए सही है, लड़कियों के लिए। तो हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर भी ऐसा ही मार्केट है पूरा, मार्केट शुरू हो चुके हैं एंड यहाँ पे सब छोटे बच्चे आए थे, उन लोगों की शॉपिंग भी शुरू हो गई, फर्स्ट शॉप से ही उन्होंने ले लिया। फ्रेंड्स देखिए, वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है मार्केट और कपड़े ही कपड़े कपड़े कपड़े। तो फिर मार्केट में तो घुस चुके हैं एंड यहाँ पे है 50 के टॉप्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे घुसने की कोशिश तो कर रहे हैं पर घुस नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कैसे तैसे करके घुस ही जाते हैं। ओहो, पहुँच तो गए पर काफ़ी भीड़ है, निकलते हैं इधर से। अभी दिन की बच रहे हैं एक, हम 1 बजे पहुँच चुके हैं पर अभी मार्केट में उतनी भीड़ नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पर भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जीन्स वगैरह है जो कि मात्र 200-200 रुपये में। यहाँ पे बहुत सारी दुकानों में आपको जीन्स मिल जाएंगी और वो भी सिर्फ 200 रुपये में और भी काफ़ी अच्छी, चाहे आप प्लेन लें या रिब्ड। तो अब आगे को निकलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। गर्मी भी काफ़ी हो रही है, छाता भी नहीं लेकर आए हैं हम लोग। खाने का पानी है, आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम के लिए इधर से इधर से इधर से इधर से चलो 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 चलते। तो दोस्तों, सारी गलियां एक जैसी दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है किधर को जाए। जहाँ से निकल के आ रहे हैं फिर वहीं पहुँच जा रहे हैं अभी। तो अभी चलते हैं हम इस साइड को जहाँ को ये गली है और आगे तक देखते हैं क्या क्या है। अभी तो फिलहाल हमने कुछ नहीं खरीदा है, आगे चल के देखेंगे, कुछ सही सही मिलेगा तो लेंगे। वैसे अगर कोई भी सरोजनी आना चाहता है तो वो आए शाम को, क्योंकि शाम को यहाँ पर क्राउड भी काफ़ी अच्छा रहता है एंड मौसम भी सही हो जाता है। अभी तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे कुछ शर्ट्स वगैरह है, चेक करते हैं कुछ सही मिल जाएगी तो। और ये मात्र सिर्फ 100 की है तो छाटना बड़ा पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे 90 की सेल है, यहाँ से मैंने एक टी शर्ट ली है जो काफ़ी अच्छी है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो और आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसे हैंड बैग्स वगैरह, सीलिंग बैग जो कि काफ़ी ट्रेंडी स्टाइल में है एंड बहुत ही अच्छे दामों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत शॉपिंग चल भी रही है मेरे और साथ फिर चल रहा है मेरा ब्लॉग। ये क्रॉप है, ये आपके लिए नहीं है, ये दीदी लोग का है, चलो। तो अभी लगभग 3 बज चुके हैं एंड थोड़ी सी धूप कम हुई है, इधर को देखिए थोड़ी सी छाँव से आ गई है। तो अभी घूमने में थोड़ा सही सही सा लग रहा है और क्राउड भी काफ़ी हो चुका है। तो अभी हम लोग का चल ही रहा है, कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। तो तन्वी को लग रही है बार बार भूख और वो खा रही है ओएस एंड यहाँ से मैंने अभी लिया है ये पैंट्स जो कि है 150 के। तो अभी मार्केट में काफ़ी भीड़ हो गई है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 100 में भी जीन्स वगैरह है, जैगिंग्स वगैरह है, तो मैं देख रही थी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और ये स्कार्फ एंड स्टॉल वगैरह भी मिल रहे हैं बट ये हमारे यहाँ 50 के मिलते हैं, यहाँ 80 के दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख गई है ये एडी की ब्यूटीफुल ज्वेलरी वगैरह जिसमें मंगलसूत्र भी है, इयररिंग्स हैं, टॉप्स हैं, रिंग्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब पता नहीं, ये लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें हाफ रेट में दे रहे हैं बट ये पता नहीं रियल एडी है या कैसा एडी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं देख रही थी कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँ और मुझे फ़िलहाल तो अभी कुछ पसंद नहीं आया है। आगे भी अगर ऐसे ही मिलेगी तो इसमें से कुछ लूँगी, फ़िलहाल इसमें तो अभी मैं कुछ नहीं लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक ये नाइट ड्रेस जो कि मुझे मिला है मात्र 250 में और भी काफ़ी इसमें कलर वगैरह है पर मुझे वही पसंद आया था। कैसे भाग रहे हैं सबके सब? तो ये क्या पैसा मांगते हैं? तो यहाँ पे हुआ ऐसा था कि यहाँ पे जो बाहर स्टॉल लगे थे वो सब भाग गए क्योंकि पुलिस आ रही है। तो फ्रेंड्स, सब सो गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो चुके हैं एंड थक गए हैं टू मच। 4 बज चुका है, जाने का टाइम भी हो गया है।
फ्रेंड्स अभी मेरा सर में दर्द हो गया घूम घूम के, अब मैं सोच रही हूँ वापस ही चलते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लग चुकी है एंड थक भी बहुत चुके हैं। तो ये जो गेट दिख रहा है जहाँ पे सरोजनी मार्केट लिखा है, ये है मेट्रो का गेट। सो फ्रेंड्स अभी हम खा रहे दिल्ली के फेमस छोले एंड कुलचे गरम गरम। सो फ्रेंड्स मैं जा ही रही थी एंड गेट पे ही मैंने देखा कि ये ज्वेलरी वगैरह मिली थी जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर लग रही थी और मात्र 100 रुपये में इसमें मिल रही थी। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर ज्वेलरी लग रही है। तो मैंने भी सोचा कि एक दो सेट यहाँ से ले लेते हैं, तो एक सेट तो मैंने ले ही लिया है फिलहाल। सो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मेरी हालत ना आप सोच ही नहीं सकते, इतना सर दर्द। मुझे मेट्रो में बैठी थी उनको बार बार वॉमिटिंग आ रही थी एंड सर में दर्द हो रहा था। अभी कपड़े चेंज करके बाहर ही बैठी हूँ, बहुत ही सर दर्द हो गया। मार्केट में तो बहुत अच्छा लगा बट दिन से जो मेरे सर में दर्द हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। सो अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, आराम करती हूँ, थोड़ा खाना खाऊँगी और जल्दी सो जाऊँगी। आज तो मेरी हालत ही नहीं है, मैं सोचू लाइव आऊँगी पर पता नहीं क्या होता है। हाँ बेटा पहले यहाँ बोलो फ्रेंड्स को, हेलो बोलो, हेलो बोलो। आज हम अपने कुकू को दिन भर यहाँ छोड़ के गए थे, उसे हमारी याद आई। कुकू याद आई? कुकू नहीं, लॉलीपॉप फेंक दी नीचे। कुकी ऐसे नहीं करना गंदी बात कुकी। सो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमारे सर में भी दर्द हो रहा है, कुकू ने हमें नोच के परेशान भी कर दिया है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या बोलती है लाठी? तन्वी जो बोलती है वो तो किसी को समझ में आता नहीं है पर उसको क्या कहें, उसको बोलना जरूरी है। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।